हेलो फ्रेंड, आज गुड मॉर्निंग हम लोग योगा से करते हैं। योगा में भी तो ब्यूटी है। योगा कीजिए और इंटरनल हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो आपकी ब्यूटी अपने आप सुंदर खूबसूरत हो जाएगी। कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब होगा। देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ योगा इसमें बताया है, आप डेली रूटीन में इस योगा को अपनाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। है ना कि योगा से सब होगा, इसलिए सही बात है, योगा से सब होता है। बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जो योगा से ही ठीक हो जाते हैं। आप डेली रूटीन में ज़रूर इसको अपनाएं। कि ये है कपाल भारती, एकदम स्लोली स्लोली करें और स्वस्थ रहें। और कुछ ये बीच बीच में आसन के बीच बीच में आप ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। बटरफ्लाई आसन, इसे तितली आसन भी कहते हैं। ये है नेल रविंग आसन, इसको डेली आप करें, आपके बालों की हर एक समस्या दूर हो जाएगी, बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे और ग्रो भी करेंगे। आई होप सो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने बालों में शैम्पू करने के बाद और कंडीशनर जरूर लगाएं। और कंडीशनर कैसे लगाते हैं चलिए आपको मैं बताती हूँ। कंडीशनर को सही तरीके से लगाएंगे तो अच्छे से बालों में लग जाएंगे भी और शाइन भी आपके बालों में बनी रहेगी और टूटेंगे झड़ेंगे नहीं। देखिए मैंने एक बॉल में पानी ले लिया, आप मग में भी ले सकते हैं। और इसमें कंडीशनर जो आपको पसंद हो, जो आपके बालों को सूट करता हो, वो कंडीशनर आप यूज कर सकती हैं। मैंने डव का लिया है, ये मेरे बालों को सूट करता है तो मैं डव का ले ली हूँ कंडीशनर। और उसके पूरे पाउच को मैं पानी के अंदर डाल दे रही हूँ और मैं ब्रश से मिक्सअप कर रही हूँ, लेकिन आप हाथों से भी इसको मिला सकते हैं, जिसे अच्छे से मिल जाए वो। तो YouTube है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ब्रश से मिला रही हूँ। मैं भी हाथ से ही मिलाती हूँ। और पूरे बालों पे आप इसको अप्लाई कर लें अच्छे से, रूट को छोड़ करके आप अपने सारे बालों पे अप्लाई कर ले। इस तरह से मिक्स कर देने से आपके सारे बालों पे ये लग जाते हैं, ये नहीं कि कहीं छूट गया कहीं लग गया, ऐसा नहीं। तो ऐसे फिर बालों में अच्छे से ये नहीं लग पाएगा। और लगा ले और उसके बाद अपने बाल भी नहीं टूटेंगे आपके और झड़ेंगे भी नहीं। शैम्पू करने के बाद ज़रूर कंडीशनर करें, इससे बाल नहीं टूटते हैं और बालों में चमक भी बनी रहती है। शाइन करते हैं बाल, रूखे सूखे नहीं दिखते हैं बेजान से। तो आप कंडीशनर ज़रूर करें कि रूखे बाल हैं तो अवश्य करके आप कंडीशनर का यूज करें, ताकि आपके बाल शैम्पू करने के बाद टूटे झड़े नहीं। थैंक यू ऑल यूट्यूब फैमिली।